जो है 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हो चुका है, उस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले देखो, वैसे तो इट्स अ लॉन्ग पेंडिंग डिमांड, कांग्रेस हमेशा चाहती थी, और मेरे को खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने 2004 में इनिशिएटिव लिया था कि वुमेन रिजर्वेशन होनी चाहिए 108वीं अमेंडमेंट के तहत, और राज्यसभा में ये पास भी हो गया था 9/3/2010 को, लेकिन लोकसभा में कुछ कारणों के कारण ये आ नहीं सका, और बीजेपी ने 2014 में और 2019 में अपने चुनाव में ये कहा था कि हम वुमेन रिजर्वेशन लेकर आएंगे। ऑल पार्टी मीटिंग में भी इसकी बातचीत हुई, पीछे खड़गे साहब ने और तमाम पार्टियों ने जब मीटिंग की तो उन्होंने कहा कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए, और 2017 और 2018 में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखा देश के प्रधानमंत्री जी को। मेरे को राहुल जी की चिट्ठी की तो तारीख भी डेट भी याद है, 16 जुलाई 2018 को चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आपको लाना चाहिए, हम इसका समर्थन करें। तो आज वो फाइनली वो बिल लेकर आए, देर आए दुरुस्त आए। मोदी जी को हर चीज़ चुनाव के समय याद आती है, चाहे वो सिलेंडर के दाम हो। पूरा देश 9 साल से चिल्ला रहा है कि भाई सिलेंडर महंगा है, लेकिन अभी उन्होंने फैसला लिया। ये पूरे देश की 2004 से डिमांड थी, और मेरे को पता है कि सोनिया जी शी इज़ वेरी कीन कि वुमेन रिजर्वेशन आनी चाहिए, तो आज फाइनली आया है, हम इसका समर्थन करते हैं। और हमने तो पहल कदमी पंजाब में की थी, सोनिया जी के कहने पर, राहुल जी के कहने पर, पंचायत में, जिला परिषद में, आपको पता होगा ब्लॉक समिति में हमने 50% रिजर्वेशन मैंडेटरी पंजाब में किया, और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बहनें जिला परिषद चेयरमैन बनी, जिला सरपंचेस बनी। तो अच्छी बात है, महिलाओं को आगे लाना चाहिए, इससे महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश आगे बढ़ेगा। और बड़ी पंजाब की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले दिनों में 33% रिजर्वेशन के साथ, जो आम तौर पर मर्द लोग डोमिनेट करते थे, लेकिन अब चार सीटें हो सकता है लोकसभा की महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाए, और 117 में से अप्रॉक्सीमेटली 34-36 सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो मेरे को लगता है मजबूती से तमाम महिलाएं भी आगे आएं और जुड़ें और चुनाव लड़ेंगी और इस देश का नेतृत्व करेंगी। ब्रिंग साहब, CWC की मीटिंग भी हुई है, किना गल्लां ते विचार हुई है? CWC की मीटिंग दे विच वक-वक मुद्दियां ते विचार होए कि किस तरह यूनिट्स नूं काम करना चाहिए, किस तरह साढ़े यूनिट्स ने नीचे बूथ लैवल ते काम करना है, और खास करके उन्होंने मंडल नूं लैके बहुत चर्चा की थी कि किदां असीं मंडल्स नूं बनाकर नीचे उन्हां नूं इलैक्शन मोड्स दे विच उन्हां लोकां नूं लैके जाणा है। और नाल ही नाल खड़गे साहब ने कहा कि डिसिप्लिन जरूर पार्टी दे विच दिखना चाहिए, एट एवरी लेवल, वर्कर टू उपर तक। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने मन की गल दसना चाहता है, वो कई बार लीडर साहबान ये कह देंगे है कि मेरे निजी ख्याल है, कहते कि कांग्रेस के विच हुंदे टीवी ते और सोशल मीडिया ते तुसी अपने निजी ख्याल नहीं दस सकते, निजी अगर राय है तो वह तुसी हाईकमांड को आके सानू किसी प्रकार की जिहड़ी भी राय है तुहानू अच्छी लगती है नहीं लगती, तुसी उहदे विरोध चो, तुसी उहदे हक चो, तो वह कृपा करके बजाय कि सोशल मीडिया और मीडिया चैनल तो उस सानू दिती जावे। अगर कोई इस दे बावजूद भी कुकताई करेगा तो उहदे ते स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ਸਵਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਠਜੰਬਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ। CWC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਗਾ ਜੈਸਾ ਵੀ ਹੋਗਾ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਸੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਹੋਗਾ। बीजेपी चाहती है कि सुखबीर बादल, जो अपना मैं समझता हूँ कि जमीन खो चुके हैं पंजाब के अंदर, क्योंकि सुखबीर जी एक ऐसा चेहरा है
जिससे पंजाब के जो लोग हैं वो जुड़ना नहीं चाहते। इसलिए बीजेपी ने कहा है कि बार बार अगर समझौता करेंगे टूटेंगे तो जो हमारा कैडर है वो भी भाग जाएगा। उन्होंने ये शर्त रखी है कि सुखबीर बादल इस्तीफा दें, अकाली दल का नेतृत्व कोई और करेगा। ये सीधा सीधा उन्होंने तो संदेश दे दिया था पहले, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ये आया था कि ढींसा जी असली वारिस हैं अकाली दल के। तो मेरे कहने का मतलब कि माइनस सुखबीर वो चाहते हैं कि समझौता हो, अदरवाइज समझौता 99% उनका हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो का एक बयान जिहड़ा आया सरकार के खिलाफ जिहड़ी हत्या हुई है उन्होंने कर कारना करके मर्डर होया की होया भारत ने कदे ऐसा नहीं किया, देश हिंदुस्तान ने कदे नहीं ऐसा किया। और जस्टिन ट्रूडो नू देश दे प्रधानमंत्री है, असी उन्हां दी इज्जत ते सत्कार करदे हैं। बिल्कुल इस तरह का बयानबाजी कोई शोभा नहीं दिंदी किसी देश दूसरे देश के।